बढ़ेंगे आगे। ज्योतिर्मर्धा के बाद एक और कद्दावर कांग्रेसी नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, सुरेश मिश्रा कांग्रेस के जाना पहचाना नाम है। कई सालों से कांग्रेस के वफादार सिपाही के रूप में इन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। साथ ही आपको बता दें, पंडित सुरेश मिश्रा सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज है। पंडित सुरेश मिश्रा के साथ ही आरएलपी के भी कई सदस्यों और लंबे समय से कई सरकारी पदों पर रह चुके अमर सिंह नेहरा ने भी आज भाजपा ज्वाइन की है। वही मुंडवा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि रेवंत राम डांगा और खींवसर प्रधान बनी सीमा बिरियासर के प्रति बोझवा सरपंच जगदीश ने भी हनुमान बेनीवाल को तगड़ा झटका देते हुए ज्योतिर्मर्धा के साथ पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आज बीजेपी ने कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और विप्र महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। सर, यकायक के परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, जो सनातन के खिलाफ बोले, लगातार इतने दिनों से देखा जा रहा है कि पुजारियों की हत्याएं हो रही हैं, पुजारियों को परेशान किया जा रहा है। आज की जो दोसा की घटना है, उससे मेरा मन बिल्कुल ही परेशान कर दिया कि ऐसे लोग जो किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। और निश्चित रूप से जब मैं तिलक लगा के राजनीति करता हूँ, इस बात पर इनको आपत्ति होती है, तो ऐसे आपत्ति करने वाले लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को साथ लेके हम लोग प्रयास करेंगे। बीजेपी में कहीं ना कहीं अफवाह ये भी है कि अभी जो दो सूची कांग्रेस की आई है लिस्ट की, कहीं ना कहीं उसमें आपका नाम आने की पूरी संभावना तो थी, लेकिन वो नहीं आया। देखिए, जैसी करनी वैसी बढ़नी, इस बार निपट जाएगी, जनता निपटा देगी इनको। तो आने वाले समय में क्या है, सिविल लाइन्स विधानसभा से तैयारी करेंगे जब पार्टी अवसर देगी? तो ये थे पंडित सुरेश मिश्रा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कि जिस प्रकार से कांग्रेस में लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा था, और मैं तिलक लगाकर राजनीति करता हूं, और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर के वाले जो बड़े जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उनको पसंद नहीं आ रही थी, और इसीलिए सही समय पे कांग्रेस को त्यागना ही मैंने उचित समझा। और आज मैंने सनातन की बात करने वालों के साथ में मैंने आज हाथ थाम लिया है, और अब आगे इसी पार्टी के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा। कुछ और लोगों ने भी आज बीजेपी ज्वाइन करी है। मैम, कहाँ से आए? क्यों सर? प्रधान सीमा चौधरी जी। तो क्या कारण रहा आज बीजेपी का दामन थामने का? बीजेपी के दामन थामने के, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, और बीजेपी में क्या है कि यहाँ सुरक्षा मिलती है महिलाओं को, और 33% का आरक्षण दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस वजह से। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कारण रहे? देखिए, मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और रीति से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का दमन थमा है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दमन थामने का मौका दिया। मैंने कांग्रेस के कुशासन से किसानों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार और बालिकाओं के साथ गैंगरेप रोज अखबार में सबसे पहले फर्स्ट पेपर में हेड राइटिंग में एक ही चीज़ आती है। तो इस चीज़ों को छोड़कर और इन चीज़ों को नकारना और इन चीज़ों को रोकने का काम कोई करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसलिए मैंने की है। मैं खींवसर विधानसभा से आता हूँ। खींवसर विधानसभा में जो हमारे बोतल वाली पार्टी का जो सुप्रीमो है, वो भी कांग्रेस से मिली जुली सरकार है, और वो महिलाओं के ऊपर गलत कमेंट करना, महिलाओं के प्रति गलत भाषा का यूज़ लेना, तो उनसे भी मैं बहुत दुखी होकर के, कांग्रेस से भी दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी का दमन थामा है। सर, कहीं ना कहीं कि आपको नहीं लगता कि अब हम विधानसभा चुनावों के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, और इस समय आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल उठना लाजमी भी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी पद और लालच के लिए नहीं आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति देख के आया हूँ, और इनका भारतीय जनता पार्टी ने जो जो विकास किए हैं, महिलाओं के बारे में जो फैसले लिए हैं, उनसे प्रभावित होकर के आया हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता के नाते खींवसर विधानसभा में काम करूँगा, और खींवसर विधानसभा में कमल का फूल जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। सर, लेकिन अभी अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की दो सूचियाँ आ चुकी हैं, कुल 124 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, और कई सीटों पर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, अगर आने वाले समय में जो भी सूची आएगी वहाँ विरोध प्रदर्शन होगा, मान लीजिए खींवसर की ही हम बात कर लें, तो क्या आप प्रत्याशी का साथ देंगे और विरोध करने वालों को चुप कराएंगे? देखिए, खींवसर में किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। खींवसर के लोगों ने एक ही धारणा कर रखी है कि इस बार खींवसर विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए, इस बार खींवसर में कमल का फूल खिलना चाहिए,
किसी को भी यदि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना के भेजेगी, हम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जी जान से काम करेंगे। मैम, यही सवाल आपसे भी है, चुनावों के बिल्कुल हम मुहाने पे खड़े, ऐसे समय में एक पार्टी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टी का दामन थामना, सवाल कई उठते हैं। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हूँ, जो भी खींवसर विधानसभा से टिकट मिलेगा उसके साथ में जी जान से साथ में रहूँगी। इतने हमारे साथ सीमा जी और खींवसर विधानसभा क्षेत्र से ही ये दोनों जने आते हैं, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने थामा है और इनका साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी पार्टी आदेश देगी उस आदेश की हम पालना करेंगे। कुछ और लोगों ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। मैडम, आज आपने बीजेपी का दामन थामा है, क्या वजह रही? बीजेपी का जो आज आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, आज आपने किस वजह से करी? मैं परेशान होगी जो को बीजेपी। कुछ और लोग भी हैं, उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, क्या कारण रहे आज बीजेपी का दामन थामने? वैसे ही हमें केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार है और इनका किसानों के प्रति रुझान है और हमारे बहन जो हमारे किसान केसरी नाथुराम जी मिर्दा होया करते थे, उनके पोती ज्योति मिर्दा ने बीजेपी ज्वाइन के विजय का दामन थामा, तो वो नाथुराम जी हमारे आदर्श थे, तो अब हमें विश्वास है कि ये पार्टी किसानों के हित में निर्णय लेती आई है और आगे भी लेगी। रेवंत राम डांगा, प्रधान प्रतिनिधि मुंडवा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। और आपको बता दें कि आज जो प्रदेश भाजपा कार्यालय में जो ज्वाइनिंग जो यहां पर हुई है, जिन जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, उनमें कई नाम वाकई में चौंकाने वाले हैं। जिस हिसाब से हम आपको बताएं कि पंडित सुरेश मिश्रा का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, कांग्रेस के लंबे समय से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएँ दी हैं, लेकिन आज जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, नवतेज टीवी ने उनसे बात करी, उनसे जानना चाहा कि क्या कुछ प्रमुख वजह रही, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, तिलक लगाकर वो राजनीति करते हैं और उनकी ही पार्टी में इस बात से कई लोगों को नाराज़गी थी और शायद यही एक बड़ी वजह रही। और साथ ही साथ उन्होंने कल दौसा में घटी घटना का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि दौसा में जो कल घटना घटी है उससे मैं काफ़ी आहत हूँ। राजस्थान में पिछले 4.5-5 साल में पुजारियों की जो हत्याएं हुई हैं उन पर राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रकार की किसी भी सहायता की कोई घोषणा नहीं की, जबकि दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या होने पर या उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पार्टी तुरंत उनको सहायता मुहैया करवाती थी। इस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मैंने आवाज़ भी उठाई लेकिन मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया, तो इसी से परेशान होकर मैंने कांग्रेस पार्टी का त्याग करा है और बीजेपी आज मैंने ज्वाइन करी है। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करने के पीछे एक और कारण बताया कि बीजेपी सनातन की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है और कम से कम अगर इतने सालों की मेरी राजनीति को अगर आप देखें तो मैं भी सनातन की राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति में करता हूं और यही एक बड़ी वजह रही कांग्रेस का सनातन को अनदेखा करना, मेरा पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण यहाँ पर सिद्ध हुआ है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, कुछ वरिष्ठ अधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम और किस पद पर आप थे? मैं अंतर सिंह नेहरा हूँ, मैं राजस्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूँ। मैं 3 जिलों में कलेक्टर, कोरोना के दौरान बूंदी कलेक्टर जब था तब कोई भी एक पॉजिटिव केस नहीं आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे पर विश्वास व्यक्त करके जयपुर के जिला कलेक्टर के पद पर लगाया था और अब मैं वर्तमान में संभागीय आयुक्त के पद पर था और संभागीय आयुक्त से मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर और सार्वजनिक जीवन में आदरणीय मोदी साहब की जो निर्णय क्षमता, उनकी ईमानदारी है, केंद्रीय नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसी तरह से राजस्थान का वर्तमान में नेतृत्व जो अध्यक्ष महोदय हैं वो सभी लोग जिसके स्वच्छ छवि जो ईमानदारी से है, तो मैंने ये महसूस किया कि ईमानदारी से यदि लोगों की सेवा का मौका मिलता है तो मैंने ऐसी परिस्थिति में बीजेपी आज ज्वाइन करने के लिए। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि बिल्कुल राजस्थान विधानसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है और ऐसे समय में बीजेपी ज्वाइन करना, क्या किसी पद की लालच? नहीं, जैसा मैंने कहा ना, मैंने ज्वाइन इसीलिए थोड़ा सा लेट किया था कि लोग ये महसूस नहीं करें कि मैं किसी पद के लिए आया हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में खेत जो सूरजगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ, ऑलरेडी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संतोष अहलावत को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया। तो ये मेरी कभी, मैं जीवन में ही ऐसा, यदि इच्छाएं ज़्यादा होती
तो मैं इतना स्वच्छ जीवन में अपने जीवन में नहीं जी सकता था जिस प्रकार से लोग अब कोरोना के दौरान जयपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है कि मेरा क्या रहा है, किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहा, तो मैं उसी प्रकार से लोगों की सेवा करने के लिए ही आया था। और आदरणीय घनश्याम तिवारी जी ने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आपको हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जैसा मैं महसूस भी करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल स्वच्छ छवि, ईमानदार और तत्परता से निर्णय ले, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता जिस जो कि मेरी भी जीवन के दौरान इस सर्विस के दौरान रही है। ऐसी परिस्थितियों में मैंने बहुत विचार करने के बाद में जब ये डिक्लेयर हो जाए उसके बाद में मैंने ये महसूस किया कि अब आना चाहिए, जिससे कि लोग ये महसूस नहीं करें कि मैं किसी पद के लिए हूँ। एक सवाल ये भी बनता है, जिस प्रकार से आपने खुद ने बताया कि आपकी स्वच्छ ईमानदार छवि और आपके कार्य करने की जो प्रणाली है उसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको कई पदों से नवाजा, आपको समाज सेवा भी आपको करनी है जैसे आपने बताया, तो आपने बीजेपी का ही दामन क्यों थामा, आप कांग्रेस का भी तो दामन थाम सकते थे। जैसा मैंने ये कहा ना कि आदमी को एक ही जगह जा सकता है ना, उसमें जिस प्रकार से मान लो केंद्रीय नेतृत्व से जैसे कार्रवाई हो रही है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय वसुंधरा जी का भी, उनके दौरान भी मुझे बहुत अच्छे पद मिले, आदरणीय दिवंगत भैरव सिंह जी शेखावत साहब का भी मैं बहुत ही दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से बहुत उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे एक ब्यावर में पानी का आंदोलन हुआ था जो उसमें पहली बार एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में मुझे वहाँ पद स्थापित किया था, तो मेरे पर सभी ने चैलेंजिंग पोस्ट पर मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आदमी को एक ही जगह जाना होता है तो उसमें जो भी उचित सकता है उसमें निर्णय लेता है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अंतर सिंह नेहरा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कई पदों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने कई पदों से मुझे नवाजा है और समाज की सेवा का भी इन्होंने उदाहरण दिया है। इन्होंने साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ और लोग भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अंतर सिंह नेहरा की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आदमी को एक ही तरफ जाना चाहिए, तो मैंने बीजेपी की तरफ जाना उचित समझा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से तत्काल निर्णय लेते हैं, स्वच्छ ईमानदार उनकी छवि है, ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व मेरा भी है, तो इसीलिए मैंने बीजेपी में जाना उचित समझा। और आज कोई ये ना समझे कि मेरे को किसी भी प्रकार की कोई पद का लालच है, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से बीजेपी टिकट घोषित कर चुकी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को किसी पद का या किसी मंत्री पद का मेरे को लालच है, और इसीलिए मैंने सबसे एंड में आके बीजेपी का दामन थामा है। मैम, आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मिला है, सबसे पहला बड़ा झटका आपने दिया, उसके बाद आज पंडित सुरेश मिश्रा जी ने आज ज्वाइन कराया और आरएलपी से, कांग्रेस से कई लोगों को आज आप यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो मैंने ज्वाइनिंग करी थी उसके बाद मैंने कई लोगों से मीडिया में भी ये बोला था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आने के बाद में जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा भाजपा का दामन थामेंगे। आज उसी की ओर एक और कदम हम लोगों ने बढ़ाया है, हमारे खेवसर के जो दोनों प्रधान हैं उन्होंने आज आरएलपी का दामन छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो इससे पार्टी को वहाँ पे बहुत मजबूती मिलेगी और खेवसर ही नहीं पूरे नागौर लोकसभा में, और उसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जो रुझान है स्पेशली आरएलपी से लोगों का मन हट रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुझान बन रहा है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। यही मेरा सवाल भी था, जैसे आपने कहा कि आरएलपी से लोगों का रुझान हट रहा है, लेकिन जब आपने बीजेपी ज्वाइन करी थी तब हनुमान बेनीवाल ने खुले मंच से ये कहा था कि मैं एक बार फिर ज्योति की चुनौती में स्वीकार करूंगा और एक बार फिर उन्हें हराऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही उन्हें एक और जोर का झटका धीरे से आपने दे दिया उनको। नहीं, हम तो जोर का झटका जोर से ही देंगे, शुरू हुई है तो ऐसा नहीं है, ये गलत है उनका कहना कि उन्होंने दो बार मुझे हरा दिया, क्योंकि जब वो 2014 में खड़े हुए थे तो उनकी तो जमानत जब्त हुई थी, कोई उनसे पूछे कि भाई हराना कैसे होता है, मोदी लहर थी, जीते सी आर चौधरी जी थे उस टाइम पे चुनाव, उसके बाद जब 2019 का चुनाव था तो वो खुद मोदी लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में आए थे, वो उनको अच्छे से पता था कि अगर अकेले खड़े होंगे तो वो कहीं पे स्टैंड नहीं करते कोई चांस, तो मैंने तो उनको यही चुनौती दे रखी है कि मैंने कहा आप आ जाओ आरएलपी से आकर के और चुनाव लड़ लो सामने, वो बड़ा दम भरते हैं कि मैंने पार्टी बनाई, जैसे कोई पार्टी बनाना कोई एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा मैं हिंदुस्तान में चेक कर रही थी कि 2370 पार्टी के आसपास कोई पार्टियां बनी हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप और हम चाहें तो भी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को एक गिरोह के रूप में काम में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने उस पार्टी को एक गिरोह के रूप में काम में ले रहे हैं,
हमारे युवाओं को बिगाड़ने के रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं। समाज की जहाँ तक बात है तो आज हर आदमी ये एक सवालिया चिन्ह लगा देता है कि जी समाज के नेता क्या इतनी अभद्र भाषा अपने ही बड़े बुजुर्ग अपने ही नेताओं के और उन्हीं के जो कहना चाहिए कि बहन बेटियाँ उनके प्रति ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या ये एक सही बात है? तो आप जहाँ कहीं देखेंगे उस चीज़ की उनके बहुत उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही आज एक नतीजा है कि दोनों प्रधान जो है वो महिलाएं हैं और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है जिन लोगों को आप साथ में लेकर आए हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या कुछ और लोग भी अभी लिस्ट में हैं? देखते जाइए, अभी बहुत लंबी लिस्ट साथ में। ये थी हमारे साथ ज्योति मिर्धा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, लिस्ट बहुत लंबी है, कई और लोग अभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और देखते जाइए आगे आगे कि क्या कुछ और लिखा है इन विधानसभा चुनावों के। हम कह सकते हैं कि जब तक चुनाव मतदान जब तक किए जाएंगे उस तारीख से पहले तक भी बहुत सारे परिवर्तन बीजेपी में आने वाले लोगों के हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा का साफ तौर पर कहना है भले कांग्रेस हो, आरएलपी हो, कई ऐसे लोग हैं जो दोनों ही पार्टियों से परेशान हो चुके हैं और वो लोग इनसे लगातार संपर्क में हैं। अब ये तो खैर आने वाले वक्त में पता पड़ेगा कि कितने और लोगों को ये बीजेपी में लेकर आती हैं, कितने और लोगों को ये बीजेपी में ज्वाइन कराती हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राज्य में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ रहा है। इसको लेकर आज कांग्रेस और आरएलपी छोड़कर आए 10 प्रमुख नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है। भाजपा मीडिया सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व आईएएस और जयपुर जिला कलेक्टर रहे अंतर सिंह नेहरा, कांग्रेस नेता पंडित सुरेश मिश्रा सहित आरएलपी और कांग्रेस के नेताओं को भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसी मुद्दे पर भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज और कांग्रेस से बीजेपी में आए भगवर राम से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है। देखिए, जो भी संवेदनशील लोग हैं इस प्रदेश में, जिन्होंने जिनको इस देश से, इस प्रदेश से प्यार है, वो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसके मेन वजह तो ये है कि भाई कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो 5 साल अराजकता चली है उस अराजकता को सबने अपनी आंखों से देखा है और उस अराजकता को मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस जगह को छोड़ना चाहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी और एक युवा नेता हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, आज वापस वो दिन दोहराया गया है जब ज्योति मिर्धा ने जब बीजेपी ज्वाइन करी थी, तब वाकई में वो दिन सबके लिए चौंकाने वाला था। आज एक बार फिर आप लोगों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पंडित सुरेश मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है, कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, आज उनको आपने बीजेपी का दामन थमवा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी संवेदनशील लोग हैं इस प्रदेश में, जिनको इस प्रदेश से प्यार है, वो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि 300 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि राजस्थान में जो 5 साल अराजकता चली है उस अराजकता को सबने अपनी आंखों से देखा है और उस अराजकता को मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस जगह को छोड़ना चाहेगा जिसके ऊपर उसका दाग है। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में पहले भी और आज भी लोग लगातार जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। वो सब नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं और इन सब से प्रभावित होकर वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जब ज्योति मिर्धा ने अभी बीजेपी का दामन थामा था, कई और लोग जो उस समय भी जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि ये लोग बाहर से आए, इन्हें तरजीह दी जाएगी। और ये विरोध आपने खुद ने भी देखा है, पिछली 2 सूचियों के साथ में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है ये आपने भी देखा है, क्या लगता है आपको? देखिए, बाहर से कोई भी आकर परिवार में शामिल होता है तो परिवार उससे बड़ा होता है। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन बड़ा है, वो जो हमारी पार्टी में शामिल होते हैं उनको अपने साथ समाहित करते हैं। और ये कोई आज से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से बहुत सारे लोग बाहर से आए, उन्होंने ज्वाइन किया और आज पार्टी की मुख्य धारा में शामिल होकर काम कर रहे हैं। तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता को उससे ऐसे जोने जैसी तो कोई स्थिति नहीं है, जो लोग आ रहे हैं वो पार्टी के परिवार को बड़ा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि मतदान की तारीख तक क्या कुछ और परिवर्तन हम देखेंगे? निश्चित रूप से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, आगे भी लोग जुड़ेंगे। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हम कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो थिंकिंग है, जिस सोच पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करती है, उसी सोच से प्रभावित होकर आज लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में कई और लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा। सर, कई सालों से आप कांग्रेस में रहे, आपकी पीढ़ियाँ कांग्रेस में रही हैं और आज अचानक आपने बीजेपी का दामन थामा,
क्या वजह रही? इसके मेन वजह तो यह है कि भाई कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। जो 30-35 साल से हम कार्यकर्ता काम कर रहे थे, हम दो बार प्रधान रहे और मान लो सरपंच भी रहा, जिला परिषद का मेंबर भी रहा, तो वो हमारे विधायक जी और कांग्रेस के मान मतलब जैसे कोई कार्यकर्ता पर सब संतुष्ट नहीं है। और इस वास्ते बीजेपी को आगे मतलब भविष्य देखते हुए मोदी जी आगे मतलब देश को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम प्रभावित होकर के और बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी को मजबूत करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, मतदान की तारीख बिल्कुल पास आ ही गई है, ऐसे समय में एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं कुछ सवाल जरूर खड़े करता है? सवाल ये था कि हमने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी सही सेवा नहीं दिए थे, हम कांग्रेस के मतलब टिकट के दावेदार थे डीडीओना से, तो उसने कांग्रेस वालों ने कोई कदर नहीं की और नहीं सुनी, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या लगता है अब आपको बीजेपी में, क्या आप टिकट की लालसा से आए हैं या सेवा भाव से आए? कोई लालसा नहीं है, टिकट जैसे अब पार्टी जिसको देगी उसके साथ है, हम तो कमल के साथ है। टिकट की हर आदमी कामना तो करते हैं लेकिन वो मिलती एक आदमी को है।